दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोमांचक खेला गया, जिसमें आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 186 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें उसके ओपनर बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने 21 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन ठोक डाले। अपने 52 रनों की पारी में ग्रीन ने 7 चौके और 3 छक्के जड़े। इससे पहले आपको बता दें कि कैमरन ग्रीन ने मात्र 19 गेंदों में इंडिया के खिलाफ अपनी 50 पूरी की। इसके अलावा दोस्तों इस मैच में टिम डेविड ने भी 27 गेंदों में 54 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम के स्कोर को 186 रन तक पहुंचाया। वहीं दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए और ये दोनों ही बल्लेबाज मात्र 30 रन के स्कोर पे आउट हो गए थे। जल्दी विकेट गिर जाने के बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने टीम को संभाला और एक बेहतरीन और मैच जिताऊ पारी खेली। आपको बता दें कि इसमें सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों में 191 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 69 रन बनाए। इसके अलावा विराट कोहली आखिरी ओवर में आउट हुए और वो आउट होने से पहले टीम इंडिया को जीत की कगार पे पहुंचा दिए थे। आपको बता दें कि विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेली और 48 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 63 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये मैच जीते ही टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर चुकी है। टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वो इस सीरीज की चैंपियन बन गई है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।